पहला क्वेश्चन है इंग्लिश में लिखा है हिंदी में बताऊंगा किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पंद्रह अनुपात आठ है और उसका क्षेत्रफल एक हजार अस्सी स्क्वायर सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर यानी परिमाप परिमाप कितना होगा ये आपको बताना है देखिए आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इन बी इक्वल्स टू एरिया लंबाई हमको दी है फिफ्टीन बाई चौड़ाई दी है हमको एट बाई और एरिया दिया है एक हज़ार अस्सी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं वाई स्क्वायर कितना मिलेगा हमें वन थाउजेंड एट्टी डिवाइड बाई वन ट्वेंटी ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और ट्वेल्व नाइन्जा वन जीरो एट होता है तो बाई स्क्वायर हमें नाइन मिला है इसका मतलब है बाई यूनिट की वैल्यू थ्री आई है जो ये बाई यूनिट है इसकी वैल्यू थ्री आई है अब हमें क्या करना है बाई की वैल्यू रखनी है लेकिन हमसे पूछा क्या है पेरीमीटर तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ट्वाइस इंटू एल प्लस बी ये होता है तो पेरीमीटर निकालते हैं ट्वाइस लंबाई कितनी थी फिफ्टीन इंटू थ्री हो जाएगा बाई लगा था और एट इंटू थ्री यहां से अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे देखिए टू तो था ही लेकिन आप देख रहे हैं थ्री यहाँ भी है थ्री यहाँ भी है तो थ्री भी कॉमन आएगा थ्री को भी हमने कॉमन ले लिया बचा कितना बचा ये फिफ्टीन प्लस एट फिफ्टीन प्लस एट होता है ट्वेंटी थ्री तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं अब आसान हो जाएगा कैसे देखिए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री थ्री सा होता है सिक्सटी नाइन तो सिक्सटी नाइन में टू का मल्टीप्लाई करना आसान है ये आ जाएगा वन थर्टी एट सेंटीमीटर ये इसका परिमाप है देखिए कैलकुलेशन होती है ऐसा नहीं आप बिल्कुल ही कैलकुलेशन नहीं करना चाहें देख कर ही आंसर ऐसे निकाल दें तो हर सवाल में ऐसा नहीं होता है वैसे भी मैंसुरेशन के क्वेश्चन में कैलकुलेशन बनती है इसमें कहा है किसी कंपनी में मेल और फीमेल का रेशियो है एलेवन रेशियो फोर किसी एक पर्टिकुलर डे किसी एक निश्चित दिन पर पच्चीस परसेंट मेल एम्प्लॉयी और पचपन परसेंट फीमेल एम्प्लॉई पिकनिक पर चले गए तो हमें यह बताना है कि टोटल परसेंट ऑफ एम्प्लॉई कितना है जो पिकनिक पर नहीं गया इसको कैसे करेंगे देखिए मेल रेशियो कितना है 11 हमें पता है कि 25 परसेंट मेल एम्प्लॉय हैं जो पिकनिक पर गए हैं तो बचे कितने कितने नहीं गए 75 परसेंट नहीं गए 75 परसेंट नहीं गए इसका मतलब ये आएगा अगर इसको आप सॉल्व करते हैं ये आएगा 33 थ्री अपॉन फोर अब बात करते हैं फीमेल की फीमेल का रेशियो कितना है फोर पिकनिक पर कितनी गई हैं? पचपन परसेंट फीमेल पिकनिक पर गई हैं. यानी कि गई कितनी नहीं है फोर्टी फाइव परसेंट फीमेल हैं जो पिकनिक पर नहीं गई हैं. इसको सॉल्व करते हैं आप तो ये आएगा नाइन बाई फाइव अब बस इनको उठा के ऐड करना है आपको ऐड कैसे करेंगे थर्टी थ्री बाई फोर प्लस नाइन बाई फाइव इनको ऐड करना है आपको ट्वेंटी आएगा एलसीयम फोर से फाइव बार और फाइव का मल्टीप्लाई थर्टी थ्री में करेंगे ये आएगा वन सिक्सटी फाइव प्लस फाइव का ट्वेंटी से फोर फोर नाइन जा थर्टी सिक्स ये निकल के आएगा टू हंड्रेड वन अपॉन ट्वेंटी टोटल ये मेल और फीमेल की संख्या है जो पिकनिक पर नहीं गई है और यही परसेंट पूछा है हमसे कैसे निकालेंगे अब देखिए टोटल परसेंट है कितना टोटल परसेंट पंद्रह है ना पंद्रह कैसे है ग्यारह और चार पंद्रह टोटल पंद्रह लेकिन गए कितने नहीं हैं वो ये निकल के आई है संख्या कितनी है दो सौ एक डिवाइड बाई ट्वेंटी परसेंट निकालना है तो इन हंड्रेड अब इसको सॉल्व करते हैं ट्वेंटी से जाएगा फाइव टाइम्स फाइव से जाएगा थ्री टाइम्स और थ्री से इसको डिवाइड करते हैं थ्री सिक्स जा एटीन बचा कितना टू सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन सिक्सटी सेवन परसेंट टोटल हैं मेल प्लस फीमेल जो पिकनिक पर नहीं गए थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बिल्कुल लल्लू सवाल नहीं है ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मॉडरेट और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शॉपकीपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है सिक्स आइटम का तीस आइटम अगर उसने बेचे हैं तो छः आइटम की सीपी के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ है अगर ईच आइटम को पच्चीस परसेंट बढ़ाकर मार्कअप किया जाए और अट्ठाईस रुपए का डिस्काउंट दिया जाए ईच आइटम पर तो सेलिंग प्राइस बताना है ईच आइटम का किस तरीके से इसको करेंगे देखिए ये अच्छा सवाल है सारे सवाल बहुत अच्छे हैं कैलकुलेटिव हैं देखिए स्टार्टिंग में हमें सी और एस इनका रेशियो दिया है क्या दिया है कि उसने तीस सामान बेचे हैं और छ का प्रॉफिट लिया है छ का प्रॉफिट लिया है इसका मतलब सी उसकी तीस ही रही है छ का प्रॉफिट लेके एस पी छत्तीस बनी है तो रेशियो बनेगा फाइव रेशियो सिक्स का सी और एस का यह है स्टार्टिंग में रेशियो अब क्या कहा है मार्क प्राइस और सीपी के बारे में बात की है क्या बात की है सीपी अगर 100 है तो ईच पर 25 परसेंट बढ़ाया गया है यानी मार्कअप 125 किया है तो ये कितना है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में फाइव रेशियो फोर का रेशियो दिया है अब क्वेश्चन पे आते हैं किस तरीके से देखिए इसको ऐसे करेंगे एस रेशियो सी रेशियो एम ये हमको निकालना है सीपी और एसपी में कितना रेशियो था सिक्स रेशियो फाइव था उसके बाद एमपी और सीपी में कितना था फोर रेशियो फाइव था सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ से एस पी रेशियो सी पी रेशियो एम पी निकल के आएगा क्या निकल के आएगा सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फ़ोर रेशियो फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी और फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव ये इनका ओवरऑल रेशियो निकल कर आएगा अब क्या बचा है देखिए अब सवाल में कह रहा है कि अगर अट्ठाईस रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है अट्ठाईस रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा अट्ठाइस रुपए का डिस्काउंट दीजिए अब किस पर देंगे आप डिस्काउंट हमेशा एम पी पर दिया जाता है एम पी कितना है पच्चीस एक्स है अभी निकाला ये यहाँ पर हमने एम पी पच्चीस है इसमें से हमने अट्ठाईस का डिस्काउंट दिया है डिस्काउंट देने के बाद ही हमें सेलिंग प्राइस मिलती है वो चौबीस एक्स मिल गई सेलिंग प्राइस का कितना रेशियो था चौबीस था सॉल्व करते हैं इसको तो ये एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा ट्वेंटी एट ओके पूछा क्या है सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे तो एस पी आ जाएगी एस पी तो ट्वेंटी फोर रेशियो था ही एक्स की वैल्यू ट्वेंटी एट हो गई मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा सिक्स सेवेंटी टू रुपीज ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ट्रेन हैं ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं एक चल रही है ए अठारह मीटर पर सेकेंड बी चल रही है बाईस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं छह सेकेंड में ट्रेन ए की लंबाई छब्बीस मीटर ज्यादा है बी से तो बी की बी ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है कैसे करेंगे इसको सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की अपोजिट हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ट्वेंटी टू प्लस एटीन कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड ये आ गई रिलेटिव स्पीड ट्रेन की हमको पता है फॉर्मूला टी बराबर होता है डी अपॉन s टोटल टाइम कितना लग रहा है छः सेकेंड का टाइम लग रहा है टोटल डिस्टेंस कितनी है एक एक्स मीटर की है ट्रेन दूसरी है एक्स प्लस छब्बीस मीटर की स्पीड हमने रिलेटिव निकाली है 40 इसको सॉल्व करेंगे टू एक्स प्लस छब्बीस डिवाइड बाई फोर्टी इक्वल्स टू सिक्स बाई वन अब इसको सॉल्व करना है हमें कैसे करेंगे फोर्टी इंटू सिक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स अब बनेगा यहाँ से टू एक्स इक्वल्स टू टू वन फोर तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी वन जीरो सेवन मीटर इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ बी की होगी ट्रेन बी की वो 107 मीटर की होगी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसमें क्या कहा है ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो है थ्री रेशियो वन दोनों मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम करने में पंद्रह दिन ले रहे हैं अगर इसी काम को अकेला ए करता है और अपनी आधी इफिशियंसी के साथ करता है तो वह काम पूरा करने में कितना टाइम लेगा ये पूछा है हमसे स्टार्टिंग में क्या दिया है हमें ए और बी की इफिशियंसी दी है थ्री रेशियो वन ओके अगर ये इसी इफिशियंसी से मिलकर काम करते हैं तो पंद्रह दिन में काम पूरा कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा सिक्सटी टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया टी डब्ल्यू मीन्स टोटल वर्क सिक्सटी आया है अब हमें सिक्सटी काम करना है और ये सिक्सटी काम को कौन करेगा ए करेगा एक इफिशियंसी कितनी है तीन एक इफिशियंसी तीन है कहा है हमसे आधी इफिशियंसी के साथ काम करे उसको साठ काम करना है और तीन बटा दो इफिशियंसी करनी है तो दो ऊपर पहुंच जाएगा ये बनेगा ट्वेंटी इंटू टू इक्वल्स टू फोर्टी डेज ये बहुत आसान क्वेश्चन था चालीस दिन में वो काम को कर लेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बी की इफिशियंसी 40 परसेंट कम है ए से अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं अगर ए और सी काम को साथ में मिलकर करेंगे तो 20 दिन में काम कर लेते हैं तो हमें यह बताना है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा देखिए हम जानते हैं फोर्टी परसेंट की वैल्यू कितनी होती है टू बाई फाइव होती है तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं अब ए रेशियो की तो हमें पता है बी चालीस परसेंट कम है यानी कि ए अगर पाँच है तो बी उस पर दो कम है भाई चालीस परसेंट की वैल्यू टू आई फाइव है अगर फाइव है तो दो कम होगी तो इसका मतलब बी की इफिशियंसी तीन है हमें ए और बी की इफिशियंसी पता चल गई है इफ़िशियंसी कितनी आई पाँच रेशियो थ्री दोनों मिलकर सात काम कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं तीस दिन में काम को कर लेते हैं इसका मतलब है टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से 240 ये आ गया टी डब्ल्यू टोटल वर्क 240 काम करना है अब हमसे क्या कहा है ए और सी मिलकर ए और सी मिलकर 20 दिन में काम को कर लेते हैं सी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है क्वेश्चन में तो सी को अभी हम साइड में करते हैं एक ही हमें एफिशिएंसी पता है पांच तो पहले तो हम बीस दिन तक बीस दिन तक हम 5 की इफिशियंसी से ए से काम कराते हैं तो सौ काम कर लिया है ए ने दो सौ चालीस में सौ गया माइनस कर दिया एक सौ चालीस बचा है एक सौ चालीस को काम करना है सी को काम करना है लेकिन कितने दिन में करना है बीस दिन में डिवाइड कर दीजिए ये निकल के आएगा सेवन सी की इफिशियंसी हमें पता चल गई है कितनी है सी की इफिशियंसी है सात अब हमसे क्या कहा है टोटल काम सी अकेला कितने दिन में करेगा देखिए टोटल काम तो 240 ही था एफिशिएंसी हमने सी की निकाली है सात तो यहां से कितना आएगा आंसर ये आएगा 34 फोर टू आई सेवन डेज ये आएगा इसका आंसर ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था क्योंकि में सी के बारे में कुछ दिया नहीं था निकालना था सेपरेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा है ए बत्तीस सौ रुपए और x प्लस चार महीने के लिए लगाता है b आठ सौ रुपये ज़्यादा लगाता है a से x माइनस टू महीने के लिए अगर b को प्रॉफिट हो रहा है पच्चीस सौ और टोटल प्रॉफिट कितना है फिफ्टी सेवन हंड्रेड तो हमें x की वैल्यू बतानी है इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं किसी न किसी शिफ्ट में गारंटेड तो ऐसे समझ के जाने हैं ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे ए रेशियो बी इक्वल्स टू आएगी प्रॉफिट तो ए ने लगाया है बत्तीस सौ रुपये एक्स प्लस चार महीने के लिए ए ने बी ने आठ सौ रुपए ज्यादा लगाए हैं यानी बी ने लगाए हैं चार हजार रुपये कितने टाइम के लिए एक्स माइनस टू टाइम के लिए ओके okay. अब पच्चीस सौ रुपए है बी का बी का पच्चीस सौ रुपए है प्रॉफिट बी का प्रॉफिट है पच्चीस सौ रुपए कितने में से फिफ्टी सेवन हंड्रेड में से तो फिफ्टी सेवन में अगर ट्वेंटी फाइव आप माइनस करते हैं तो बचेगा थ्री टू जीरो जीरो इतना बचेगा अब यहाँ से देखिए हमें जीरो उड़ाने हैं सारे कैसे उड़ाएंगे यहाँ से ये दो जीरो 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 सारे जीरो कॉमन थे उड़ गए कुछ नहीं बचा अब देखिए इसको सिम्प्लीफाई कैसे करना है आठ से कटेगा ये चार बार आठ से कटेगा ये पांच बार अभी और भी कट सकता है लेकिन अभी मैं नेक्स्ट लाइन लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करूंगा ऊपर कितना बचा है फोर एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई फाइव एक्स माइनस टू इक्वल्स टू बचा है थर्टी टू डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये देखिए फोर से कटेगा एट बार फाइव से कटेगा फाइव बार क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ये आएगा फाइव मल्टीप्लाई एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू एट मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू सॉल्व करते हैं इसको हमें यहाँ से चाहिए क्या सिर्फ़ एक्स की वैल्यू चाहिए अब एक्स की वैल्यू निकलना आसान हो गई है ऊपर बनेगा फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल्स टू एट एक्स माइनस सिक्सटीन ये देखिए ये हो जाएगा ट्वेंटी और सिक्सटीन थर्टी सिक्स इक्वल्स टू एट में फाइव माइनस जाएगा थ्री एक्स यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई ट्वेल्व ये है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस है चौबीस सौ रुपये उसको सोल्ड करते टाइम डेढ़ सौ रुपये का डिस्काउंट दिया गया है लेकिन उसके बावजूद भी पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट हुआ है तो हमें यह बताना है कि कॉस्ट प्राइस से कितना रुपये ज़्यादा उसने मार्कअप किया था यह बताना है कैसे करेंगे मार्क प्राइस कितना दिया है ट्वेंटी फोर हंड्रेड इस पर डेढ़ सौ रुपये का डिस्काउंट अगर देते हैं तो पता है आपको डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आती है कितना बचेगा बाईस सौ पचास बचेगा यह सेलिंग प्राइस पच्चीस परसेंट ज़्यादा है सी से इसका मतलब है इस बाईस सौ पचास की वैल्यू एक सौ पच्चीस परसेंट है तो हमें यहाँ से अगर इसको हम पाँच से डिवाइड करते हैं तो 25% परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी ये आएगी साढ़े चार सौ रुपये तो यहां से 100% परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यानी हमें सीपी मिल जाएगा तो सी हमें मिला है अठारह सौ रुपए अठारह सौ रुपये हमारा सी आ गया ये अब यहां से आप देख सकते हैं इसमें कुछ बचा ही नहीं है सवाल में क्या सी हमें पता चल गया अठारह सौ है मार्क प्राइस चौबीस सौ है और यही हमसे पूछा था कि मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है तो हमें चौबीस सौ में चौबीस सौ में अठारह सौ रुपये माइनस करने हैं डायरेक्ट आंसर आ जाएगा छः सौ रुपये छः सौ रुपये एक्स्ट्रा उसने मार्कअप किए थे सीपी से नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये अगर कोई सम चौबीस प्रतिशत की वार्षिक दर से पाँच साल के लिए साधारण ब्याज पे दिया जाता है तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा अगर वही सम पंद्रह परसेंट की दर से आठ साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाए कैसे करेंगे इसको देखिए अगर पहले चौबीस परसेंट की दर से पाँच साल के लिए दिया जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी परसेंट ओके दूसरी बार में क्या कहा है पंद्रह परसेंट की दर से आठ साल के लिए दिया जा रहा है तो कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी परसेंट इसका मतलब कुछ घटाई बढ़ा नहीं है बराबर है जब बराबर है तो डिफरेंस कितना है नो डिफरेंस यानी कि जीरो है डिफरेंस जीरो है तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी एग्जाम में ए को बी से पच्चीस परसेंट ज़्यादा नंबर मिलते हैं बी को बीस परसेंट कम नंबर मिलते हैं सी से सी को तीस परसेंट ज्यादा नंबर मिलते हैं डी से तो हमें यह बताना है ए के जो नंबर हैं वो बी से कितने ज्यादा परसेंटेज में ज्यादा हैं देखिए कैसे लगाते हैं इसको इसको आपको किस तरीके से सोचना होता है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको लास्ट वाले को सबसे पहले एज्यूम करना है तो हम मानेंगे कि डी सौ है अगर डी सौ है सी के लिए देखिए क्या कहा है कि तीस परसेंट मोर है डी से तो सौ का तीस परसेंट हो जाता है एक्स्ट्रा एक सौ तीस बन जाएगा अब बात करेंगे हम बी की बी के बारे में क्या कहा है बी बीस परसेंट कम है सी से इसका मतलब है हमें बी निकालने के लिए एक सौ तीस का चार बटे पाँच करना होगा डिवाइड करिए इसको ये आएगा ट्वेंटी सिक्स इंटू फोर तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी आ जाएगा 104. अब ए की बात करते हैं ए के लिए क्या कहा है कि वो 25% परसेंट ज्यादा है बी से बी से 25% परसेंट ज्यादा होने का मतलब है कि बी का बटे चार है बी का बटे चार का मतलब 26 सिक्स इंटू तो ए बन जाएगा 130. अब हमें देखिए चारों वैल्यूज पता चल गई हैं कौन कौन सी डी पता चल गई है हंड्रेड सी पता चल गई है 130, बी पता चल गई है 104 और ए पता चल गई है 130. अब पूछा क्या है हमसे डी और ए ए कितना ज्यादा है डी से देखिए ए 130 है डी 100 है तो ए कितना ज्यादा है 30 ज़्यादा है किससे ज़्यादा है डी से तो डी आएगा डिवाइड में इन टू हंड्रेड हंड्रेड से हंड्रेड कटेगा ये आएगा थर्टी परसेंट यानी ए जो है वो डी से तीस परसेंट ज्यादा है इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड में बोट का रेशियो है एक अनुपात दो यानी कि धारा के विपरीत और धारा के साथ में नाव की चाल एक अनुपात दो के अनुपात में है टोटल बारह घंटे में वो नाव एक सौ किलोमीटर ईच चलती है यानी एक सौ अट्ठाइस अपस्ट्रीम गई एक सौ डाउन स्ट्रीम आई और टोटल बारह घंटे लिए हैं तो हमें यह बताना है कि 78 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव कितना टाइम लेगी देखिए किस तरीके से इस सवाल को करेंगे 128 किलोमीटर ये चली है डाउन स्ट्रीम फिर क्या हुआ 128 किलोमीटर ही चली है अपस्ट्रीम जो कि स्पीड दी हुई है बराबर टोटल टाइम ले रही है 12 घंटे का ये नाव यहां से अब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए मैं पूरा प्रोसेस नहीं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कैलकुलेशन आपको करनी है इसको आप सॉल्व करना है आपको यहां से आपकी एक्स की वैल्यू आएगी 16 अगर एक्स की वैल्यू 16 आती है बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई टू तो यहाँ से बोट की स्पीड कितनी आएगी डाउन स्पीड में एक्स है और अपस्ट्रीम में एक्स है डाउन स्ट्रीम में टू एक्स है डिवाइड बाई टू ये बनेगा थ्री बाई टू इंटू सिक्सटीन सिक्सटीन क्यों क्योंकि एक्स की वैल्यू सिक्सटीन है यहां से बोट की स्पीड कितनी आएगी तो ये आएगी ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर हमें पता चल गया है कि बोट की स्पीड कितनी है चौबीस पूछा क्या है हमसे हमसे पूछा है कि अठहत्तर किलोमीटर चौबीस की स्पीड से कितने टाइम में जाएगी तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए थ्री आवर और 15 मिनट इतना टाइम लेगी तीन घंटे पंद्रह मिनट का टाइम लेगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसमें कहा है ए और बी टोटल 6400 थाउजेंड से बिजनेस शुरू करते हैं और उनका टाइम पीरियड है फोर रेशियो थ्री के रेशियो में अगर टोटल प्रॉफिट बहत्तर सौ रुपये का है जिसमें ए का प्रॉफ़िट है बत्तीस सौ तो हमें बी का इन्वेस्टमेंट बताना है बी ने कितने रुपए निवेश किए थे किस तरीके से देखिए इसको करेंगे हमने मान लिया ए ने लगाए हैं एक्स रुपए कितने टाइम के लिए लगाए हैं चार रेशियो उसके बाद बी ने कितने लगाए हैं टोटल तो सिक्सटी फोर थाउजेंड सिक्सटी फोर हंड्रेड है उसमें से एक्स माइनस करेंगे इतने रुपए लगाए हैं बी ने कितने रेशियो के लिए टाइम के लिए तीन के लिए तो हमें कितना इनका प्रॉफिट मिल रहा है देखिए टोटल कितना है बहत्तर सौ इसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है टोटल उसमें से ए का कितना हिस्सा है ए का हिस्सा है बत्तीस सौ तो बचेगा कितना माइनस करेंगे तो हमें बी का हिस्सा मिल जाएगा बी का हिस्सा कितना है चार हजार वही यहाँ पर रखना है हमें बस यही था यहाँ पर इस सवाल में बत्तीस सौ डिवाइड बाई चार हजार इसको सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करिए कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा फोर अपॉन फाइव जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फोर बाई फाइव का रेशियो बनेगा अब लगाना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम ट्वेंटी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का ट्वेल्व एक्स और प्लस ट्वेल्व इंटू सिक्सटी फोर हंड्रेड यहां से देखिए एक्स कैसे निकालेंगे बीस और ये बारह बारह माइनस का इधर आएगा प्लस का आ जाएगा ये हो जाएगा थर्टी टू एक्स इधर बचेगा ट्वेल्व इंटू सिक्सटी फोर हंड्रेड ये देखिए थर्टी टू टूजा सिक्सटी फोर होता है टू हंड्रेड यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई कितनी आ गई ट्वेल्व टूजा ट्वेंटी फोर चौबीस सौ चौबीस सौ आई है एक्स की वैल्यू हमें पूछा क्या है बी का इन्वेस्टमेंट पूछा है बी का इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे बी का निकालने के लिए सिक्सटी फोर हंड्रेड में माइनस करेंगे ट्वेंटी फोर हंड्रेड ये बी का निकल के आएगा फोर थाउजेंड रुपीज ये बी का शेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो यही थी आज की क्लास